हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टीरा में होने वाली इंडियन आर्मी की ओपन रैली भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इस भर्ती की, ARO हमीरपुर की ये भर्ती है जिसमें ये रैली भर्ती कंडक्ट हो जाएगी 29 अगस्त 2022 से सुजानपुर टेरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे भर्ती देख पाएंगे अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन 10th पास और 8th पास के बेसिस पे। रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 1 जुलाई 2022 से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 30 जुलाई 2022। इसके लिए एनरोलमेंट सर्विस कंडीशंस तो आप पहले से ही जानते हैं और 25% जो होंगे टोटल जो कैंडिडेट 4 साल के लिए एनरोल किए गए होंगे उनमें से 25% को रेगुलर काडर दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनको 4 साल के बाद रिलीव कर दिया जाएगा। जो उनके पैकेज होंगे वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट ईयर का रहेगा 30,000, सेकेंड ईयर का 33,000, थर्ड ईयर का 36,500 और फोर्थ ईयर के लिए 40,000। ये आपका पैकेज इस हिसाब से चलेगा। सेवा निधि पैकेज मिलेगा आपको 10.04 लाख रुपीज़ का और इसके अलावा जो एक्यूरेट आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो भी आपको साथ में पे किया जाएगा। बात करेंगे अब यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, यानी कि आप एलिजिबल कैसे माने जाएंगे पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। उससे पहले बता दूँ joinindianarmy.nic.in के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और एडमिट कार्ड जो है आप 11 अगस्त 2022 के बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो GD के लिए 10th पास होने चाहिए, 45% मार्क्स हों और 33% हर एक सब्जेक्ट में। सभी ट्रेड्स के लिए इस साल जो रिक्रूटिंग एज रखी गई है वो है 17.5 से 23 साल। क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 10+2 पास होने चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में। टोटल परसेंटेज होनी चाहिए 60 और हर एक सब्जेक्ट में 50%। मैथ्स, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। टेक्निकल के लिए 10+2 पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा हो, 50% मार्क्स हों और हर एक सब्जेक्ट में 40% हों, या फिर 10+2 की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा हो और साथ ही साथ ITI का कोर्स किया हो मिनिमम 1 साल का रिक्वायर्ड फील्ड में। ट्रेड्समैन के लिए 10th क्लास सिंपल पास होने चाहिए या फिर 8th क्लास सिंपल पास हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 21 साल से 23 साल की गई है इस रिक्रूटिंग ईयर में आपकी एज 2022-23 के लिए और सिर्फ एक बार ही ये रिलैक्सेशन एज में दी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी हाइट क्राइटेरिया की, तो GD के लिए 163 सेंटीमीटर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए 162 और बाकी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए भी 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग चेस्ट रहेगी 77 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंडियन गोरखाज ऑल कैटेगरीज के लिए हाइट रहेगी 157, वेट रहेगा 48, ट्राइबल ऑफ रिकग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज के लिए 162 हाइट रहेगी, 48 वेट और 77 चेस्ट रहेगी आपकी। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें 1600 मीटर की रनिंग होगी जिसमें अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो 60 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद करते हैं तो 48। पुलअप्स होंगे अगर आप 6 करते हैं तो 16, 7 करते हैं तो 21 मार्क्स, 8 करते हैं 27 और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 10 पुलअप्स तक। 9 फीट डिच होगा, जिगजैग बैलेंस होगा, फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं जिस दिन रैली भर्ती होगी, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ की 20 कॉपीज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड डोगरा क्लास एंड कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन, स्कूल कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो रिलेशन कैंडिडेट हैं, NCC सर्टिफिकेट जिसका भी होगा वो लेके आएंगे यहाँ पे।
देन जिसका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एफिडेविट 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे टाइप करवा के लेके आना सभी के लिए कंपलसरी है। बोनस मार्क्स अगर आपके कोई हैं तो उसका सर्टिफिकेट, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड जो है आपको लेके आने हैं, और इन सभी की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो हैं आपको लेके आनी होंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अदर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्या बताई गई हैं। तो अदर इंस्ट्रक्शंस में बात करें आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, कि कब जो है आपका रिटन टेस्ट जो आपका लिखित परीक्षा होती है वो कब जो है आपकी कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ बताया गया है कि टेंटेबली जो अक्टूबर 2022 का महीना है उसमें आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है आपको लेके आना ही होगा जिस दिन आपकी रैली भर्ती कंडक्ट की जाएगी। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।